आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 13 Pro Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन का वाईफाई जो है कनेक्टेड होने पर भी वाईफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन का वाईफाई कनेक्टेड होने पर भी इंटरनेट नहीं चल रहा है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल का ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है, यहां पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अब आपको बैक पेज पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको नीचे आना है इस तरीके से। ठीक है ना, नीचे आएंगे तो नीचे की साइड आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ये आपको ये वाला मेटा सर्विस पे टैप करना है। अब इसके अंदर भी आपको स्टोरेज पे टैप करना है, यहाँ पर भी आपको क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो आपके कैच के सामने डेटा जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी लिखना है, तो नीचे सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन आएगा, इसे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको है ना इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पर टैप करना है, यहाँ पे सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पर आप दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले भी दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है ना, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,